आस्था और भक्ति, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनके बलबूतों पे लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं और होते हुए देखे हैं। कहते हैं अगर पूरे हृदय से आपकी आस्था भगवान पर है तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और आपके सारे रोग दूर होते हैं। आज हम बात करेंगे जबलपुर के ग्वारी घाट के दूसरे छोर पर स्थित हनुमान जी के ऐसे ही एक मंदिर की, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि कोई भी सच्चा भक्त जब भी यहाँ पर आकर भगवान से प्रार्थना करता है तो उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। अब सवाल तो यह उठता है, क्या वाकई इस मंदिर में आने से लोगों के रोग दूर होते हैं? इस बात में कितनी हकीकत है और कितना झूठ, इस बात का पता लगाने लोकलिटी की टीम पहुंच गई सीधे ग्वारी घाट के दूसरे छोर पर स्थित हनुमान जी के इस मंदिर में। मंदिर में हमारी मुलाकात एक नागा साधु से हुई, जिनके सामने भी हमने अपना वही सवाल रख दिया जिसके जवाब की तलाश में हम यहाँ पर पहुँचे थे, और उसके बाद उन्होंने हमें जो बताया वह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मनोकामना जिसकी जो इच्छा हो, सत्य भावना से उनके दरबार में आगे पुकार लगाओगे तो आपकी इच्छाएं पूरा होगी। क्योंकि मेरे को स्वयं लकवा लग गया था, आदमी करोड़ों रुपया खर्च करता और ठीक नहीं हो रहा, और उनकी कृपा से और माता की कृपा से उन्होंने स्वयं मेरे को दर्शन दिए और एक मंत्र दिया, तुम इसका जाप किया करे। तो उसका हम जाप करते हैं, आज हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं बाकायदा लकड़ी लेके। जिस सवाल का जवाब लेने हम यहाँ पर पहुँचे थे उसकी पुष्टि तो स्वयं नागा बाबा जी ने ही हमें कर दी। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें भी 3 महीने तक लकवा लग गया था और वह भी इस मंदिर में ऐसे ही पड़े थे, तभी पवन पुत्र हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें एक मंत्र दिया जिसके जाप से उनके सारे रोग दूर हो गए। मंत्र आपको मिला, आप दूसरों को भी ठीक करते हैं क्या उससे? नहीं, हम किसी को कुछ नहीं करते हैं, बाकी ये है कि अपन को जो दिया है उसका अपन स्वयं जाप करते हैं। कहा जा सकता है कि रोग वगैरह जितने होते हैं सब हनुमान जी को यहाँ पर दर्शन करें? जो भावना लेके सत्य भावना से आएगा उसकी इच्छाएं पूर्ण होगी और रोग भी ठीक होंगे। बाबा जी से बातचीत के दौरान एक और रोचक बात सामने निकल कर आ गई। उन्होंने हमें बताया कि यह मंदिर उस मंदिर की बिल्कुल सीट पर बनाया गया है जिस मंदिर पर ऐसी कहानियां हैं कि महाभारत काल के महारथी अश्वत्थामा उस मंदिर पर आते हैं और भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। आज आता है अश्वत्थामा भी यहाँ आते थे। अश्वत्थामा जी आते हैं, वो किस्मत वालों को दर्शन होते, सबको नहीं तो अपन समझ नहीं पाते। अश्वत्थामा जी के लिए तटई है, अस्थामा जी नरोली खंड में रहते हैं, है ना, दक्षिण दिशा में ज्यादा पाए जाते हैं। आपका नाम? हमारा नाम है नागा बाबा हरि भजन गिरी। अब हमें से महज एक संयोग माने या भगवान का कोई चमत्कार, हमने अपने सवाल को लेकर मंदिर के आसपास मौजूद और भी लोगों से बात की। आज उनको बहुत परेशानी आ गई रही, उनको अच्छे बढ़िया चलते रहे, चलते चलते उनको लखवा लग गया। लखवा लग गया तो भाई पड़े पड़े बहुत परेशान होने लगे, बहुत ज्यादा। भाई अब इनकी सेवक है वे, तो कौन सेवा करेगा आगे? फिर इन्हीं ने फिर अच्छा किया, फिर दादाजी ने फिर इन भाई साहब ने भी नागा बाबा की उस कहानी पर सत्य की मोहर लगा दी, जिसमें उन्होंने बताया कि भगवान के उन्हें दर्शन हुए और उन्होंने एक मंत्र उन्हें दिया जिससे उनका लकवे जैसा रोग दूर हो गया। और हमारे भी उस सवाल पर मोहर लग गई जिसके जवाब की तलाश में हम ग्वारी घाट के इस ओर पहुंचे थे कि वाकई इस मंदिर में आने से लोगों के रोग दूर होते हैं। और जवाब साफ था, अगर ईश्वर में सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति हो तो बड़े से बड़े रोग यहां आने से दूर हो जाते हैं। साथ ही हनुमान चालीसा में भी इस बात का उल्लेख है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय श्री राम दोस्तों।